फ्रेंड्स, धनिया के पत्ते की चटनी बनाने के लिए हमें तो ज़रूरत होगी पहले इस धनिया की। ये हरा धनिया है, इसका हम डंठल निकाल लेंगे और इसमें जो कुछ खरपतवार आ जाते हैं मार्केट से इसके साथ, उसे भी हम अलग कर लेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से धोएंगे। और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत होगी वायल की, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की। वायल हमें थोड़ा सा चाहिए। और ये हमने भिगो कर रखा है, ये खटाई कहलाता है, ये होममेड खटाई है, इसे हमने भिगो कर रख दिया है। ये धनिया के पत्ते में, धनिया की चटनी में इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इसे हम अच्छी तरीके से डंठल को हटाएंगे और धो लेते हैं। हमने अच्छी तरीके से धो लिया है, अब हम इसे चाकू की सहायता से काट देंगे ताकि इसका डंठल भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सके। ये हमने धनिया के पत्ता को मोटा मोटा काट लिया है और लहसुन की हमने 5-6 कलियाँ ले ली हैं, इसे छील कर धो लिया है। और ये प्लेट में हमारा जो हमने खटाई बताया था उसका जो ऊपर वाला जो उसका रहता है आठी, उसे हमने निकाल दिया है जो ड्राई होने के बाद। और इसका जो गुद्दा रहता है, जो खाने वाला पार्ट, इसे हमने रख लिया है। और ये सभी को हम मिक्सी में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऑयल और साल्ट भी डालेंगे। पानी ऐड करेंगे नहीं क्योंकि इसमें पत्ते में पानी रहता है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पत्ते को डालेंगे, उसके बाद हम ये लहसुन और वो जो हमारा खटाई को डालेंगे, उसके बाद ऑयल और साल्ट डालेंगे, उसके बाद आधा जो हमारा पत्ता बचता है धनिया का उसके ऊपर से डालेंगे, बीच में सारी सामग्री को डालेंगे। इस तरह से हमने डाल दिया है, अब इसे ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंड हुआ है लेकिन इसे अच्छी तरीके से और ग्राइंड करेंगे। पहले चम्मच से हम इसे नीचे कर देते हैं और ये जो ढक्कन में है उसे भी उसमें डाल देंगे। इसमें पानी ऐड नहीं किए हैं हमने, दोबारा से इसे ग्राइंड कर लिया है। ये काफ़ी चिकना स्मूथ हो गया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल कर साइड में रख देते हैं। चटनी में हमने मिर्च नहीं डाला था, ये एक मिर्च, हरा मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये पूरा तीखा हो सके। आप कम मिर्च खाते हैं तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, ये एक बड़ा मिर्च है। और इसके साथ ही हमारा धनिया का चटनी बनकर तैयार हो गया है।